ड्यूटेरिया के करंट अफेयर सीरीज में, प्रैक्टिस सीरीज में हम सेट नंबर 6 तक देख चुके थे। आज की सीरीज में हम देखेंगे सेट नंबर 7 और सेट नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देखिए, महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। देखिए, अफ्रीका में ही हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को हराया। तीसरा, महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है। 2024 कहाँ पे होगा? ये होगा बांग्लादेश में। तो ये तीनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 फरवरी को आप जानते हैं कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्या? साइंस डे। तो इसकी थीम क्या थी इस बार की? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ये ध्यान रहे आपको, थीम पूछी जाती है अधिकतर एग्जाम में। नेक्स्ट, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल का खिताब जीता है? तो ये लियोन मेसी हैं, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में आपको बताना है कि किसकी नियुक्ति कहाँ पर हुई है। पहला है बो बान थुओंग, ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा, राजीव सिंह रघुवंशी, ये भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं। तीसरा, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये वायुसेना के उप प्रमुख हैं। तो इनमें से तीनों नियुक्तियाँ सही हैं। तो ये चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो शिमोगा के नाम से आपको पता कि कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार, कौन से मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया हरि बाल कृष्णा को। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं साकिब अल हसन। नेक्स्ट, जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? तो ये है INS सिंधु केसरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किया गया MRSAM क्या नाम है? तो ये नाम क्या है इसका? यह है अब्र। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो ये किया गया औरंगाबाद का। नेक्स्ट, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन वायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो ये हैदराबाद ने की थी। चलिए नेक्स्ट, हिमालयन वर्ल्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई है? तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, 294 प्रजातियां पक्षियों की। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ये आपको पता होना चाहिए। अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुँची? तो ये पहुँची है UAE। नेक्स्ट, किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह है, ये RRR ने। नेक्स्ट, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो ये बने हैं भूटान के। नेक्स्ट, महामारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला यूरोपीय देश बन गया है? तो ये कौन बन गया है? ये बना है आपका स्पेन। तो ये महामारी आवास की अनुमति कहाँ पे दी है? ये स्पेन में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में कौन निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है? तो पहला है, तमिलनाडु के चंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया है। कहाँ से? तमिलनाडु के चंगलपट्टू से। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है। तो ये दोनों बातें ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र ये आपका उद्घाटन किया गया कौन से राज्य में? ये किया गया आसाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये किया है रशिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, भारत ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो ये नेता थे बंजारा समुदाय के। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एयर इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? तो आपसे ये पूछ सकता है कि सूरज क्या है, ये एक ड्रोन है जो सौर ऊर्जा से चलता है। तो किसने किया है, ये किया है गरुण एरो स्पेस ने। चलिए नेक्स्ट, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी डैश डैश ने देश का पहला ChatGPT चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे लेक्सी नाम दिया गया है। तो किसने लॉन्च किया, बेलो सिटी कंपनी ने। नेक्स्ट, हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में आपको सही सुमेलित करना है। तो देखिए, नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। अब्दुल नज़ीर को आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, कई फैसले इन्होंने ऐसे दिए थे जिसकी वजह से खुश होकर गवर्नमेंट ने बना दिया। चलिए आगे देखते हैं, BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO बने। तो इनमें से सारी बातें ये ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया गया है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए दस्तलिक का किन किन के बीच में होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के। तो ये किया कहाँ गया है, ये किया गया उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो कौन बनाए, ये विराट कोहली बन गए हैं। आपको भी इनकी तरह बैटिंग करनी है BPSC के पेपर में या फिर बिहार प्री एग्ज़ाम जो होने वाला 30 सितंबर को, विराट कोहली की तरह बैटिंग करो और अच्छे से मार्क्स लेकर आओ। चलिए आगे देखते हैं भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो ये दिए गुयाना के साथ, गुयाना। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, देखिए द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट ये किन दो देशों की पहल है? तो ये देखिए, एक तो अमेरिका की और दूसरा USA और UAE की, दोनों की पहल है। तो कौन शामिल हुआ इसमें, अभी भारत शामिल हो गया है। चलिए नेक्स्ट, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? अच्छा स्टेप है, तो ये कौन सा बन गया, सिएटल। चलिए नेक्स्ट, प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट, G20 अध्यक्षता के लिए G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक फरवरी में कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये आयोजित हुई थी बेंगलोर में। नेक्स्ट, असम सरकार द्वारा 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है आपका डॉक्टर तपन सेकिया। देखिए, XDI की ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, कौन सी, ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किसकी उम्मीद है, ये बिहार PCS में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर बाढ़ वगैरह भी आती है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र कितनी करें? तो ये न्यूनतम उम्र 6 साल करें। आजकल क्या होता है कि बच्चों को तीसरी क्लास से ही स्कूल में डाल दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि उनका पूरा तरीके से मानसिक विकास नहीं हो पाता है उस एज तक। तो मिनिमम तो 5-6 साल की एज होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और देखिए, यही शिक्षा मंत्रालय ने भी ये
निर्देश दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो कौन सा देश है, ये मिस्र को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? तो ये बना है केरल उच्च न्यायालय, मलयालम में फैसला सुनाया है इसने। नेक्स्ट है 36 फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन किया गया है, तो कहाँ किया गया है, ये अबूधाबी में किया गया। चलिए नेक्स्ट, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया, किसको? महेंद्र कुमार मिश्र को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। देखिए, फिल्म ऑफ द ईयर RRR को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर ये रणबीर कपूर। तो इनमें से चारों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखी है? ये रखी है नागपुर में। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। चलिए नेक्स्ट, शिवाजी महाराज की जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया पुणे में। नेक्स्ट है, भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल, भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP का ढांचा डैश ने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया पुडुचेरी ने। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या है? भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो ये कौन सा, ये है गुजरात। चलिए आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर है 44 किन दो सेनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है? तो किसने पेश किया है? ये पेश किया है जेफ मार्केले और बिल हेगर्टी। चलिए नेक्स्ट, फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायित्व उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रीम 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ है हेग नीदरलैंड में। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र डैश में स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डैश में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है। तो सिंकुला टनल कहाँ पर? ये लद्दाख में मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट, 48 है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जाए? देखिए, गोरखपुर आपका यूपी वाला नहीं है, ये गोरखपुर हरियाणा वाला है। तो नॉर्थ इंडिया का ये पहला परमाणु संयंत्र लगाया जा रहा है वो हरियाणा गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट, 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कौन सा बाफ्टा पुरस्कारों में? तो यह बताना है, तो इसमें कौन सी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सही है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और ये 7th एडिटोरियम करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट Terran-1 को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रिलेटिविटी स्पेस द्वारा। चलिए अब टेस्ट सीरीज नंबर 8 देखते हैं करंट अफेयर की, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो अभी भी जिन दोस्तों ने, भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई, आज हम एक 150 क्वेश्चन का टेस्ट नंबर 4 अपलोड किया हुआ है, ये उसी के भाई ऐसे अपलोड किया जा रहा है। ये पेन टॉप की तरह काम करेगा आपको, ये डाइजेशन में दिक्कत नहीं आने की है।
क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा, सही है नहीं? चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो ये कहाँ पर है? ये भारत में है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य मन स्वास्थ्य घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश डैश में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस IIT के दो छात्रों नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिख ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख रुपये UAE दिरहम का पुरस्कार जीता है? तो ये कौन थे? ये IIT इंदौर के छात्र थे। चलिए आगे देखते हैं, 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक केंद्रीय मंत्रालय सांस्कृतिक मंत्रालय की मेजबानी में कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये हुई थी खजुराहो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो ये फिजी में आयोजित हुआ है 2023 का। नेक्स्ट, हाल ही में G20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारवर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो ये किया इक्वेटोरियल गिनी में। चलिए नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? तो किसने अधिसूचित किया है? ये खान मंत्रालय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ABK प्रसाद। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रेस रेस कहाँ पे? हैदराबाद में। किसने जीता ये बताना है आपको, तो जीन एरिक बर्गेन ने जीता है। नेक्स्ट, किस देश ने ईगल 44 कोडनेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है? तो ये किसने किया? ईरान ने किया है। चलिए नेक्स्ट, GSI ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? तो ये आपको सबको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में मिला है ये भारत में। नेक्स्ट, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? तो किसने की है? ये कनाडा ने की है। चलिए नेक्स्ट, फरवरी 2023 में फाहो स्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान देखिए पहला है इसमें, और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में राजस्थान पहले पहुंच गया। कौन सा? राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन दोस्त। चलिए नेक्स्ट, 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? तो ये कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट करियर का पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो ये क्या है? INS विक्रांत का। चलिए नेक्स्ट, स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया नितिन गडकरी द्वारा। ये क्या है? ये देश का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो ये किसने किया? ये किया छत्तीसगढ़ ने। चलिए आगे देखते हैं, रयाना बारनाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो ये सऊदी अरब की हैं। क्या नाम है इनका? रयाना बारनाबी। नेक्स्ट है, भारत की पहली
एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है कि कौन सा सही है। इसका आयोजन गुलबर्गा कश्मीर में हुआ है, पदक तालिका में कश्मीर शीर्ष पर है, इसका शुभंकर जो था वो हिम तेंदुआ था। तो यानी कि सारी बातें इसमें सही हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाना है, नोट कर लो आप। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारत चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है, कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन किया कटक में। चावल अनुसंधान संस्थान भी है यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? बहुत अच्छा काम है, तो झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह हासिल किया है गुजरात ने, काय में पीपल्स चॉइस श्रेणी। चलिए नेक्स्ट, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया है? तो ये मनमोहन सिंह को सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान यानी कि H2ICE लॉन्च किया है? तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड द्वारा? चलिए आगे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28 है। भारतीय संगीतकार डैश डैश ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइट्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड, ये देखिए इनकी ये एल्बम है, के लिए 67वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन भारतीय हैं? ये रिकी केज हैं। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने में स्थित यायो सिहो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो ये कौन है? ये लद्दाख है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में हुए निधन के बारे में आपको बताना है, तो बताने से पहले थोड़ा सा शोक व्यक्त कर लो पहले, उसके बाद बता देना। तो देखिए, कसीनाथुनी विश्वनाथ ये कौन थे? फिल्मकार थे, तो डेथ हो गई इनकी। गायिका बाणी जयराम ये पार्श्व गायिका थी, डेथ हो गई। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो इनकी तीनों की डेथ हो गई। तो ये तीनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है, पद्मा लक्ष्मी। नेक्स्ट, कर्नाटक में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मजम्मा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकॉन के रूप में चुना है, तो ये दोनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट, मैनुअला रोका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है इक्वेटोरियल गिनी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया? ये चुना गया बॉम्बे जयश्री को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश डैश में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है, तो कहाँ पे? तुमकुरु, UPPCM में पूछा गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपने स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम में देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो ये कहाँ के मुख्य अतिथि? ये हैं सिंगापुर के। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के पहले सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया है? ये किया है आपका तुमकुरु, कर्नाटक। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कब? फरवरी 2023 में, अभी फिलहाल में ही, तो कांगो गणराज्य ने किए हैं ये। चलिए नेक्स्ट, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया, इस वर्ष भागीदार देश कौन था? ये बताना है आपको, तो भागीदार देश था SCO या संगठन। फेम योजना के तहत कौन देश राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में सूची में सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर आपके महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, किन तीन देशों ने फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल के औपचारिक रूप देने के अपना साझा इरादे की घोषणा की है? तो कौन है? फ्रांस, भारत और
यूएई, भारत, फ्रांस और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो किसको प्रदान किया गया? लुइस केफ्रेली को। नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, तो ये किया गया है आपके लातूर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत डैश डैश समूह के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया है। तो ये कौन से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए? चलिए नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन से ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भावना। तो किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने, कहाँ पर? लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2 फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में डैश डैश 78% ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट, डैश डैश हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है, तो पहला कौन बन गया? इंदौर, यानी कि इंदौर पहला बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को GI टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य का ही? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, कांगड़ा वैली भी है यहाँ पे। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश क्या है? तो क्या होगा थीम देश? इसका होगा भारत। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किया गया बेंगलुरु में। किससे चलेंगी? मेथनॉल से। इस तहसील का लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 8 का। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने TV सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो किसने? भारत ने। तो देखिए, ये हमारे हो गए 8 करंट अफेयर के टेस्ट पूरे कंप्लीट हो गए। 4 टेस्ट और बचे हैं इसके, अभी वाली एडिटोरिया के, उनको भी हम 2 दिन के अंदर अंदर कवर कर लेंगे, जिससे कि आपका जो भी बिहार PCS जो ये बिहार का जो एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती वाला, उससे पहले आपकी शिकायत ये ना रहे कि समय सर मैं एटलीस्ट ये करंट अफेयर को टेस्ट करा ही देते। तो अभी देखिए, इस पर कोई लाइक करे ना करे, व्यू आए ना आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी इस सीरीज से एक बंदे को भी अगर फ़ायदा होता है तो हमारी उसी में कामयाबी है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये रिजल्ट आपकी बुनियाद होते हैं, आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्ट ये। तो हमें मतलब नहीं है कि हमारे 10 लाख में, 20 लाख में, 50 लाख में, हमें इससे कोई लालच नहीं है भाई। आपको एक बंदे को भी अगर फ़ायदा पहुँचे तो हमारी कामयाबी है। बस पहले साल हम सोचेंगे कि हाँ एटलीस्ट इनको तो फ़ायदा हुआ था। कुछ बच्चे जो हमसे ऑफलाइन यहाँ पे क्लास लेते हैं, तो उनमें से 3-4 का भी सिलेक्शन, वो भी हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अब देखिए, इसमें से बहुत से लोगों का सिलेक्शन होगा, तो वो अब हमें पर्सनली मैसेज करके टेलीग्राम पर या हमारे कॉन्टैक्ट में बता सकते हैं कि किस किस का कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।